हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें सॉल्व करिया एक्सरसाइज 9K रो क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो फर्स्ट बिट नंबर फर्स्ट बिट हो इंटीग्रेशन ऑफ लॉन टैन एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स 0 to π/2 के 0 to π/2 ओके। सॉल्यूशन के अंदर देखो हमें ऑलरेडी पढ़ी चाहे लॉन साइन एक्स रो इंटीग्रेशन केमती हम जाने क्या ये भी सेमती किसी हम तो प्रथम कौन करें टैन एक्स कॉट एक्स गुड़ाक साइन एक्स कन्वर्ट करा के हम देख तो सॉल्यूशन लिखिया इंटीग्रेशन ऑफ लॉन टैन एक्स प्लस कॉट एक्स डीएक्स 0 to π/2 लिखे तापर कौन कर आई इज इक्वल टू लिखिया लेट आई इज इक्वल टू है तो आई इज इक्वल के इंटीग्रेशन ऑफ लॉन टैन एक्स जगह कौन लिखिया साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉट एक्स जगह कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स लिखिया डीएक्स कौन लिखिया 0 to π/2 लिख दो नाइट तो कितने आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉन एलसीएम के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स जा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फिर कितने आसो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आसो डीएक्स नाइट आ 0 to लिखा हो π/2 लिखा हो तो आई जुल के इंटीग्रेशन ऑफ लॉन एटा वन ये के साइन एक्स इंटु कॉस एक्स डीएक्स ये दुटा एक्सप्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आगे गोटे एक्सप्रेशन कन्वर्ट कर देख तो आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ लिखिया लॉन न्यूमरेटर डेनोट 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 साइन एक्स इंटु कॉस एक्स लिख दो है ना डीएक्स आगे लिखिया 0 to π/2 तो इज इक्वल के इंटीग्रेशन ऑफ लॉन तो 2 / ये के साइन 2x डीएक्स 0 to π/2 राइट तो ये लॉग एम बाय एन भाई अच्छे ये एम ये लॉग एम बाय एन तो लॉग एम माइनस लॉग एन करहब तो कौन लिखिया लॉन आई इज इक्वल लॉन 2 माइनस लॉन साइन 2x डीएक्स 0 to π/2 एम लिख दो अलग कर दबा आई इज इक्वल के इंटीग्रेशन ऑफ लॉन 2 डीएक्स 0 to π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉन साइन 2x डीएक्स 0 to π/2 एम लिख दो राइट तापर हम कौन करिया ये देखो जो 2x अच्छे ना ये 2x को गोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करिया कम करिया लेट लिखिया लेट जेड इज इक्वल टू 2x 2x हाँ तो डी जेड बाय डी एक्स के तब ना 2 हो तो डी एक्स के तब डी जेड डिवाइडेड बाय 2 हो तो लिमिट भी चेंज करिया व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 π/2 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 जेड इज इक्वल के तब देखिया व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 हम लिखिया जेड इज इक्वल टू एक्स जदि 0 हो जेड 0 हो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 हो तो जेड के तब π हो तो आई इज इक्वल टू हम हमारे केते इठी लॉन 2 हमको बाहर को बाहर जे इंटीग्रेशन ऑफ खाली डीएक्स रहबो आ 0 to π/2 इन लिखिया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कौन लिखिया लॉन साइन जेड लिख दो है ना और डीएक्स जगह कितने लिखा डी जेड डिवाइडेड बाय 2 लिखा लिमिट जगह कितने लिखा 0 to π लिख दो राइट लिखते ला आई इज इक्वल टू लॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स और 0 π/2 एंड लिख ये कौन हम 1/2 बाहर को बाहर जीव और इंटीग्रेशन ऑफ लॉन साइन जेड डी जेड रहबो आ 0 to π हे जीव है ना। तब नेक्स्ट आउ थे गोटे प्रॉपर्टी यूज करिया कौन से प्रॉपर्टी ना लिख आई इज इक्वल टू लॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 0 to π/2 माइनस ये 1/2 लिखिया ये कौन एफ ऑफ 2a - x काढ़िया है ना 2a - x ये पाई को कौन भाव 2 into π/2 भाव है ना तो 2a - x बाहर कले कौन लॉन साइन π - x हम ना ये पाई जेड अच्छे पाई माइनस जेड लिखा हम कितना आ लॉन साइन जेड एक आउथे पड़े आस प्रॉपर्टी मुझे कही आगे पूर्व एक्सरसाइज आई थिंक पूर्व नंबर जो सॉल्व करते ये प्रॉपर्टी हम यूज करते एमती क्वेश्चन सॉल्व करें आम ना तो बुझा जाऊ थी है तो कौ कौ प्रॉपर्टी यूज कर एफ ऑफ 2a - x प्रॉपर्टी यूज करी और 2a क्या भाव पाईटा को मुझे 2a भावे तो पकड़े के लॉन साइन जेड जगह के पाई माइनस जेड एम बोला तो लॉन साइन पाई माइनस साइन 180° माइनस थे साइन थे तो लॉन साइन जेड एक आस प्रॉपर्टी यूज कले कौन हम 2 into लिखा हे इंटीग्रेशन ऑफ लॉन साइन जेड लिखा हे आउ डी जेड एक लिखा हे आ 0 to π/2 लिखनी आज ठीक है।
ए जीरो रू पाई बाई टू लिख दिया जाए ठीक है चलो बुझे नेक्स्ट टू टू कैंसिल हो गया तो आई जीरो के लॉन टू इंटीग्रेशन डीएक्स जीरो रू पाई बाई टू माइनस इंटीग्रेशन लॉन साइन जेड लिखो कि साइन एक्स लिखो जहाँ लिखो किसी फरक पड़े ना गोटे प्रॉपर्टी लॉन साइन एक्स डीएक्स जीरो रू पाई बाई टू लिखदे किसी भूल हाँ पढ़ी थी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स वन रू टू जहाँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड डी जेड वन रू टू से वेरिएबल ऊपर डिपेंड कर एक्स लिख कि जेड लिख एम लिख एन लिख जहाँ नो प्रॉब्लम है ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिया कौन करा एवं एटा को कमी सल्व करा ऑलरेडी आम क्वेश्चन करदे पूर्व क्वेश्चन स्टिल मुझे कहते कहीं ये पार्ट बहुत इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन ये पार्ट ही पलि आसो तुमको यार इंटीग्रेशन ही करा पड़ता है तो मुझे लिखिदे आई इज इक्वल टू लिखे सपोज लन टू आ इंटीग्रेशन ऑफ वन डीएक्स जीरो रू पाई बाय टू माइनस यार वैल्यू मुझे जानी या वैल्यू बाहर करी सपोज इज इक्वल टू या वैल्यू को आई वन भाव सपोज आई वन आमको वैल्यू कौन दर आई वैल्यू दरकार आतीक इंटीग्रेशन मुझे बड़े लंबा प्रोसेस बाहर है तो आपको आम आई वन भाविद है आई वन रु स्टार्ट कर कौन आई वन ना लन सैन एक्स जीरो टू पाई बाय टू है तो स्टार्ट हम एमती तो ये आमर यू देदे इक्वेशन आम किसी देखा गोटे इक्वेशन वन देखा जो आई वन वैल्यू आस इक्वेशन वन पुट करदे आम आंसर होगा आई वन वैल्यू आम बाहर करा तो अभी हम कौन करा आई वन वैल्यू बाहर करवा ओके तो आई वन वैल्यू कम बाहर करा तो फर्स्ट डिलीट कर दे यू टे डिलीट आई थिंक पूर्व क्वेश्चन भी यही पार्ट कराही है ना तुम जब बुझी पार्थ मैंने तुम निजे कर पार आगे जन पिला बुझी पार नहीं मैंने आउ थे देखते से राइट तो आम कौन पढ़चे आई वन अच्छे है आम लिखे कौन आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉन साइन एक्स डीएक्स जीरो रू पाई बाय टू या वैल्यू आम कम कर बाहर करें तो लिखिया इज इक्वल टू लिखिया इक्वेशन वन देद ऑलरेडी वन दे टू दे दिया सपोज तो इंटीग्रेशन आम प्रॉपर्टी यूज करा लॉन साइन ए माइनस एक्स यूज करा तो कैसे पाई बाय टू माइनस एक्स डीएक्स आ जीरो रू पाई बाय टू एमती लिखिद है तो कैसे इंटीग्रेशन लॉन साइन 90 डिग्री माइनस थी के कॉस एक्स डीएक्स आ जीरो रू पाई बाय टू एमती लिखने जाए है तो ये कौन देद इक्वेशन थ्री देद है तापर इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन थ्री करा इक्वेशन टू कल के आई वन प्लस आई वन हो है ये आई वन गोटे ये आई वन ना ओके आई वन तो आई वन प्लस आई वन इज गुड के इंटीग्रेशन ऑफ लॉन साइन एक्स डीएक्स जीरो रू पाई बाय टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लॉन कॉस एक्स डीएक्स जीरो रू पाई बाय टू एमती लिखे है तो कैसे टू आई वन इज गुड हम के इंटीग्रेशन गोटे कट दिया लॉन साइन एक्स प्लस लॉन कॉस एक्स डीएक्स जीरो रू पाई बाय टू एमती लिखे है तो टू आई वन एक्चुअली ओके टू आई वन इज गुड के इंटीग्रेशन लॉग एम प्लस लॉग एन भाई अच्छे तो लॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हम एट है डीएक्स जीरो टू पाई बाय टू एमती लिखने जाए नेक्स्ट कैसे टू आई वन इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ लॉन ये कौन कर टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखिदे डिवाइडेड बाय टू करदे डीएक्स जीरो रू पाई बाय टू तो टू आई वन इक्वल के इंटीग्रेशन ऑफ लॉन साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय टू और डीएक्स जीरो रू पाई बाय टू एमती लिखिद है ना तो टू आई वन के इंटीग्रेशन ऑफ लॉन साइन टू एक्स माइनस लॉन टू डीएक्स एमती हो नहीं लॉग एम बाय एन फॉर्मूला पड़ा जीरो रू पाई बाय टू नेक्स्ट कौन लिखिया टू आई वन टू आई वन इक्वल के इंटीग्रेशन ऑफ लॉन साइन टू एक्स डीएक्स जीरो रू पाई बाय टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉन टू डीएक्स जीरो रू पाई बाय टू एमती हो बुझे नेक्स्ट आमती कर आई थिंक प्रिडिक्टेबल तुम सब जानक कर स्टिल कहीदे तो नेक्स्ट आम लिखिया टू आई वन इक्वल टू लिख आम इठिना कौन करिया हमें जेड भाविबा ना लेट भाव किसी भाविपर है लेट आम भाविबा टी इज इक्वल टू टू एक्स ए टू एक्स को टी भाविद तो डी टी बाय डी एक्स के ना टू हम तो डीएक्स के डी टी डिवाइडेड बाय टू हम तो रिप्लेस कराव टू आई वन इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ इट इज लिमिट चेंज करियर व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो आउ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू है ना
मैन एक्स इक्वल टू जीरो हम टी के जीरो हम मैन एक्स इज इक्वल पाई बाय टू हम टी के पाई हम नहीं कि तो टू आई मैन इक्वल लिखिया लॉन साइन टी और डी टी डिवाइडेड बाय टू और जीरो रू पाई लिखनी आज है ना बुझेगा। तब नेक्स्ट लिखिया आउ के बढ़ी गोटे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉन टू डी एक्स आ जीरो रू पाई बाय टू यहाँ भी गोटे अच्छे नहीं कि नेक्स्ट आउ डिलीवर हो पड़ो नेक्स्ट हम आउ थे प्रॉपर्टी यूज कर वन बाय टू टा बाहर करदे फर्स्ट आउे प्रॉपर्टी टू ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी आउ थे यूज करम देव देख तो टू आई वन इज के यूँ आम कौन कर वन बाय टू बाहरी जी आ टू ए माइनस एक्स पाई टाक कौन पाई माइनस टू इंटू पाई बाय टू यूज कले पक टू ए माइनस आउ थे लॉन साइन टी का पलि तो टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ लॉन साइन टी डी टी आते लिखिया जीरो रू पाई बाय टू लिखिद है माइनस के लिखिया माइनस ये लिखिया लॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स जीरो रू पाई बाय टू राइट तो टू टू कैंसिल होगा और टू आई वन इक्वल के रहा देख एटा एटा आई वन हो देख लॉन साइन टी डी टी जीरो रू पाई बाय टू रू स्टार्ट करते नहीं कौटे स्टार्ट करते लॉन साइन एक्स डी एक्स जीरो रू पाई बाय टू रू आम स्टार्ट करते ये टी अच्छे ना तो फर्स्ट टे चेज कर इंटीग्रेशन लॉन साइन टी लिख कि एक्स लिख जहाँ लिख कि असुविधा नहीं लॉन साइन एक्स डी एक्स जीरो रू पाई बाय टू माइनस लॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स जीरो रू पाई बाय टू एम लिखीदे तब के टू आई वन आईटा गोटे आई वन एक्चुअली यूँ स्टार्ट होता है आईटा हम लॉन टू आ वन इंटीग्रेशन एक्स आते जीरो रू पाई बाय टू हम तो आई वन कैनसल हो गए नहीं आई वन इपटे गोटे कैनसल गल आते रहा गोटे आई वन रिजिकल के माइनस लॉन टू इंटू ये आस पाई बाय टू आस तो आई वन के लॉन माइनस लॉन टू पाई बाय टू तो जस्ट कौन करें ये रिप्लेस करदे सो देयर फोर आम लिखे ये आई पाखे लिखिद आई इज के लिखा यहाँ हम लॉन टू एर इंटीग्रेशन के एक्स आसो आ जीरो रू पाई बाय टू माइनस आई रैल्यू आम जान लें के माइनस तो प्लस हो गला प्लस लॉन टू इंटू पाई बाय टू है ना तो इज इक्वल टू के आसला देख ये लॉन टू इंटू पाई बाय टू प्लस लॉन टू इंटू पाई बाय टू तो दी थर आसला टू इंटू लॉन टू इंटू पाई बाय टू आसला तो टू टू कैंसल तो फाइनल आंसर से पाई लॉन टू बुझेगा तो एमती आम क्वेश्चन सॉल्व करिवा। नेक्स्ट बिट नबा नेक्स्ट बिट हो इंटीग्रेशन ऑफ ओके सेकंड बिट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टैन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टैन एक्स ओके सेक एक्स प्लस टैन एक्स डी एक्स आगे जीरो रू पाई ओके तो ये भी सेमती किसी साइन कॉस रे कन्वर्ट करदे तो सल्यूशन के बनवा देख लेट लिखिद आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स लिखिद यहाँ कौन कर वन बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिखिद है तो डी एक्स जीरो रू पाई तो ओके नेक्स्ट हम कौन आई इज इक्वल टू हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एलसीएम के आसो कॉस एक्स वन प्लस साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जीरो टू पाई रहा तो आई जीवल के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स डी एक्स जीरो टू पाई ओके एमती है नेक्स्ट कौन करिया आम प्रॉपर्टी यूज करिया पाई माइनस एक्स वाला तो आई इज्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जगह कौन पड़े पाई माइनस एक्स प्लस साइन एक्स जगह कौन पड़े पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन पाई माइनस एक्स को प्रॉपर्टी यूज कली एफ ऑफ ए माइनस एक्स प्रॉपर्टी यूज कली ना कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स जीरो टू ए इज्वल कौन इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स जीरो टू ए से प्रॉपर्टी यूज कराई है एक्स जगह कौन लिखाई ए माइनस एक्स ए हूँ कैसे पाई तो जीरो टू पाई तो आई इज्वल के आसला इंटीग्रेशन ऑफ ये
थीटा प्राइम माइनस एक्स साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन एक्स जो वन प्लस साइन एक्स डी एक्स जीरो टू पाई तो इजल के इंटीग्रेशन इटे मल्टीप्लाई कदा पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स डी एक्स जीरो टू पाई नेक्स्ट कौन है आई इजल देख इंटीग्रेशन अलग अलग करिया पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स डी एक्स ओके ये दुटा करदे एम कर दूसरे डी एक्स ये लिख दूचे तो कैसे ये हम जीरो रू पाई ये हम जीरो पाई कैपिली देखे यहाँ आई आई थिंक यूट्यूब स्टार्ट कर एक्स साइन एक्स बाय वन प्लस साइन एक्स स्टार्ट होता देख ओके एक्स साइन एक्स देख ये स्टार्ट होता ना एक्स साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स तो ये इक्वेशन वन दे दियो ये इक्वेशन टू दे दियो है ना वन प्लस टू ऐड करा जाओ वन प्लस टू को ऐड करले कितना हो टू आई इज इक्वल टू ये आई लिख दबा ना ओके हम ऐड आई लिख दबा एम कर जस्ट ये हम आई लिख दे बब तो हमें लिखा आई इज इक्वल टू कितना ना इंटीग्रेशन ऑफ पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स डी एक्स जीरो टू पाई माइनस आई लिख दिए तो समझ गल तो आई एपटे आसे के टू आई इज इक्वल टू पाई बाहरी जाओ इंटीग्रेशन ऑफ के साइन एक्स डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स डी एक्स जीरो टू पाई एमती रही बुझेगा तो नेक्स्ट टाइम लिखिया कौन टू आई इज इक्वल टू पाई बाहर जाइए आपको कमी इंटीग्रेट करिया प्लस वन माइनस वन लिखले भी हम तो इंटीग्रेशन हम एम लिखिद साइन एक्स प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स डी एक्स जीरो टू पाई लिख दीर अलग कटद टू आई इज इक्वल होता पाई इंटीग्रेशन यहाँ हम कैसे साइन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स डी एक्स जीरो टू पाई आ थोड़े दुटा अलग कटद तो टू आई इज के पाई इंटीग्रेशन अफ इटा वन खाली डी एक्स जीरो टू पाई माइनस पाई इंटीग्रेशन वन डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स डी एक्स जीरो टू पाई कर दिया है ना तब नेक्स्ट कौन करिया जेन चाहिए थिंग तो कहते हैं टू आई इटा पाई इटा शेषर इंटीग्रेशन लिखिया वन डी एक्स जीरो टू पाई इटा कमी सल्व करिया देख पाई लिखिया इंटीग्रेशन इट लिखिया वन माइनस साइन एक्स बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर दो ऊपर वन माइनस साइन तले मल्टीप्लाई करके तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो ना कि ए प्लस बी टू माइनस भी हो ना डी एक्स आ जीरो टू पाई हो नेक्स्ट कौन हम देखिया टी लिभ कि लिखी लिभ दे डिलीट ओके ये लिखुच देख तो आसला के टू आई इज इक्वल टू लिखुच टू आई इज इक्वल टू आसला पाई आउ इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स जीरो टू पाई माइनस पाई इंटीग्रेशन ऑफ कते वन माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स थी से वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होचे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स जीरो टू पाई एमती लिखिद है तो टू आई इक्वल आसला पाई अच्छा चाहे ये लिख दे पार एक्स जीरो टू पाई माइनस पाई ये लिखिया इंटीग्रेशन वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स हम सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस ये साइन एक्स बाय कॉस बुझे तो वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स मैंने कौन लिखिया वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स करते प्रीवियस एग्जांपल क्वेश्चन रही थी तो वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स के सिक्स स्क्वायर एक्स आ साइन बाय कॉस स्क्वायर एक्स के साइन बाय कॉस स्क्वायर एक्स कौन लिख साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिख इंटू वन बै आउ गोटे कस एक्स कस एक्स कस एक्स कस स्क्वायर एक्स साइन एक्स है साइन एक्स बाय कस एक्स टैन एक्स आउ सेक एक्स तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स आसना और डी एक्स के जीरो रू पाई तो कैसे आसला आम फाइनाली टू आई इज इक्वल टू ये हम पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर यहाँ पाई हे आउ इंटीग्रेशन ऑफ ये तो इंटीग्रेट हो सेक एक्स रेक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन टैन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टैन एक्स इंटीग्रेशन के सेक एक्स कहते जीरो टू पाई ओके ऑलरेडी आंसर पहुँच गले तो जस्ट हमको आई बाहर करियार अच्छे तो टू आई इज इक्वल के टू आई इज इक्वल पाई स्क्वायर समथिंग कौन आसल तो टू आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई इंटू गोटे वैल्यू पकेबा ना वैल्यू पकेबा कमी एमती पकेबा देख
तो फर्स्ट पाई पीरियड 10 पाई के 10 पाई 0 है ना, सेक पाई के सेक पाई हो कॉस पाई हो माइनस वन, तो सेक पाई के माइनस वन हम तो ये प्लस वन होना, और टेन जीरो के जीरो, सेक जीरो के कॉस जीरो के वन, तो सेक जीरो के वन एक हम तो राइट ये बुझेगा, तो टू आई जीरो के पाई स्क्वायर माइनस पाई ये के वन ये माइनस माइनस प्लस इन टू, तो टू पाई, तो आई जीरो के पाई स्क्वायर बाय टू माइनस पाई स्क्वायर बाय टू माइनस पाई एम देस, तो चाहे तुम कौन के पेर इट गोटे एलसीएम तुमने पेर टू तो कत पाई स्क्वायर सॉरी पाई स्क्वायर माइनस टू पाई, तो इक्वल टू आसो ऊपर पाई गोटे कमेंट कर ले पाई माइनस टू डिवाइडेड बाय टू पाई इंटू पाई माइनस टू डिवाइड एम सल्व हो बुझेगा। ओके क्वाइट इजी, जस्ट खाली प्रॉपर्टी तुम्हें ठीक से यूज करिया छे, आउ इट इज सुपर इंपोर्टेंट एग्जाम कौन एक्सरसाइज एग्जाम रे एई एक्सरसाइज रो एई क्वेश्चंस गुडा के पढ़ियो, तो आराम से प्रैक्टिस करो, जदि न बुझला कमेंट सेक्शन रे कमेंट करबे मु आउ थेर बुझे दे नो प्रॉब्लम डिलीट। तो नेक्स्ट लिखिया बिट थ्री, देखिया बिट थ्री देखो बिट थ्री कौन द इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय फोर माइनस एक्स रूट ओवर प्लस रूट एक्स, ओके प्लस रूट एक्स आउ डीएक्स आउ के दीजिए वन रू थ्री, ओके ये आ गए नुआ प्रॉपर्टी शिखे ये कही स्टिल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स ए रू बी जदि थी तुम चाहिए आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स ए टू बी कर ना, तो ये सेम किसी कर तो लिखिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जगह रूट एक्स जगह कौन लिखे ए प्लस बी मैंने वन प्लस थ्री लिखा जाए है माइनस एक्स लिख दिया जाए है ना, आते ये रूट ओवर ऑफ फोर जगह कौन लिखो फोर माइनस एक्स जगह के लिखो एक्स जगह लिखो वन प्लस थ्री माइनस एक्स लिख दबो है ना, प्लस रूट एक्स जगह के लिखो वन प्लस थ्री माइनस एक्स रूट ओवर डीएक्स एम कर पारे है वन रू थ्री, तो कैसे इंटीग्रेशन वन प्लस थ्री फोर माइनस एक्स आसला फोर माइनस एक्स रूट ओवर डिवाइड टू डायरेक्ट कैत हो फोर माइनस फोर प्लस एक्स रूट ओवर आटे डिनोमिनेटर बोला प्लस ये कैत हो फोर माइनस एक्स रूट ओवर डीएक्स है वन रू थ्री अच्छे, तो कैसे इंटीग्रेशन फोर माइनस एक्स रूट ओवर ये फोर फोर कैनसल एक्स रूट ओवर ये फोर माइनस एक्स रूट ओवर डीएक्स वन रू थ्री, ओके ये आई रू आम स्टार्ट कर बेटर, तो यहाँ कौन लिखि था आई आई जोटा इक्वेशन वन लिख दे था यहाँ भी आई इक्वेशन टू लिख दे था वन टू को ऐड कर दे कलर चेंज कर दो इक्वेशन वन प्लस टू कर दे टू आई के आसा के देख रूट एक्स, ओके इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय फोर माइनस एक्स रूट ओवर प्लस एक्स रूट ओवर प्लस एक्स रूट ओवर डीएक्स वन रू थ्री राइट, आ प्लस यहाँ के इंटीग्रेशन ऑफ फोर माइनस एक्स रूट ओवर डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस फोर माइनस एक्स रूट ओवर डीएक्स वन रू थ्री राइट, तो टू आई जीरो के गोटे करदे रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस फोर माइनस एक्स रूट ओवर लिखले ए प्लस बी जा बी प्लस एक्स फोर माइनस एक्स रूट ओवर डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस फोर माइनस एक्स रूट ओवर डीएक्स एम लिखिदेव, तो ये कत वन रू थ्री एड करदे कत रूट एक्स प्लस फोर माइनस एक्स रूट ओवर ये कत रूट एक्स प्लस फोर माइनस एक्स रूट ओवर डीएक्स वन रू थ्री जब राइट, तो कौन है वन आसला तो टू आई इज्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डीएक्स वन रू थ्री पड़े आसला, तो टू आई इज इक्वल टू वन रू कत एक्स वन रू थ्री, तो टू आई इज्वल के थ्री माइनस वन, तो टू आई इज्वल के टू तो आई जुल के वन, तो आंसर हो वन तमती क्वेश्चन सॉल्व करियो क्वाइट इजी। ओके नेक्स्ट, तो प्रॉपर्टी नुआ थी ये भी चेक करो है ना, फोर्थ बिट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स जीरो टू पाई ये भी सॉल्व करियो सॉल्यूशन लिखियो लेट लिखिया आई इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन अफ एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स जीरो टू पाई। तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स से प्रॉपर्टी यूज करिए ना, तो कौन लिखा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ एक्स जैर कौन लिखा हुआ पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स एम भी लिख दो है ना डी एक्स जीरो टू पाई। तो आई इज इक्वल टू इक्वेशन मैंने लिख दी था यहाँ कितना हो पाई माइनस एक्स साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना साइन एक्स का 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कितना माइनस कॉस थीटा जेतु स्क्वायर अच्छे प्लस अगर रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा डी एक्स जीरो रुपये। तो आई जीरो के तला इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लाई करिए पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स जीरो रुपये। अलग क्या कर दवा इंटीग्रेशन ऑफ लिखिए पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये दुटा लिखले हम डी एक्स एट इंटीग्रेशन लिखे गोटे डी एक्स लिखिदेल जीरो टू पाई जीरो टू पाई कैपिल देखे यहाँ आई यूटू स्टार्ट होता देख क्वेश्चन एक्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर देखा यू स्टार्ट होता है ना। तो सीटी आई लिखिद आई जुल के पाई बाहर जब साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स जीरो टू पाई राइट एटा के आई तो एपटे आसे के टू आई टू आई जो पाई इंटीग्रेशन के साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स जीरो टू पाई वोटा केमी सॉल्व करें हम जानजे कॉस एक्स क्यू भाव तो डेरिवेटिव साइन एक्स कैंसिल हो तो लेट यू इज इक्वल टू कॉस एक्स तो डी बाय डी एक्स के माइनस साइन एक्स तो डी एक्स के डी यू डिवाइडेड बाय माइनस साइन एक्स तापर वेन एक्स इक्वल टू जीरो वेन एक्स इज इक्वल पाई एक्स जदि जीरो हम कॉस जीरो के वन हम एक्स इज इक्वल पाई हेले यू इज्वल के माइनस वन तो टू वाई इज इक्वल के लिखिया पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स वन प्लस यू स्क्वायर अठे लिखे डी यू डिवाइडेड बाय माइनस साइन एक्स लिमिट लिखिया ए माइनस वन है ना यू इज्वल के एक्स जदि पाई हम यू इज्वल के माइनस वन हम कॉस पाई माइनस वन तो हम के वन रु माइनस वन हम ये ना राइट। तो नेक्स्ट लिखिया कौन टू वाई इज इक्वल टू पाई इंटू यू साइन एक्स कैनसल हो माइनस बाहर को बाहर आ वन डिवाइडेड बाय वन प्लस यू स्क्वायर डी यू आ वन रु माइनस वन राइट ये गोटे बाहर माइनस अच्छे ये लिमिट को जब उल्टा करद माइनस वन रु माइनस वन अच्छे ना माइनस वन कले माइनस कैनसल हो तो टू वाई इज इक्वल के पाई इंटीग्रेशन वन बाय वन प्लस यू स्क्वायर डी यू माइनस वन रु वन करद है ये जानते इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी जदि थी तो गोटे माइनस लिखिक एफ ऑफ एक्स डी एक्स बी टू कर पारे है ना ऑलरेडी माइनस लिखले बाहर ऑलरेडी माइनस थी माइनस माइनस की प्लस राइट। तो टू वाई इज इक्वल के पाई एटा का फॉर्मूला टैन इनवर्स यू रो फॉर्मूला टैन इनवर्स यू आ माइनस वन रु वन तो टू वाई इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट टैन इनवर्स वन माइनस टैन इनवर्स माइनस वन है ना। तो टू वाई इज्वल के पाई टैन इनवर्स वन हो पाई बाय फोर माइनस टैन इनवर्स माइनस वन हो माइनस पाई बाय फोर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े तो फिजिकली के टू वाई इज इक्वल है पाई इंटू पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर पाई बाय फोर मैंने 45 डिग्री तो पाई इंटू पाई बाय फोर दुटा मिसले के 90 हम पाई बाय टू तो आई इज इक्वल टू पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर और टू टू डिवाइड कले फोर हम तो आंसर हम पाई स्क्वायर बाय फोर तो एमती क्वेश्चन सॉल्व कर ओके क्वाइट इजी। नेक्स्ट बिट नवा सिलेक्ट ऑल डिलीट ओके नेक्स्ट बिट नेक्स्ट मैंने फिफ्थ बिट की ओके फिफ्थ बिट बिट नवा फिफ्थ बिट हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू द पावर के 100 डी एक्स आ के जीरो टू वन तो ये सेम एफ ऑफ ए माइनस एक्स यूज करिया फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कौन लिखिया सल्यूशन करिया ना तो सल्यूशन है ना तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू द पावर 100 डी एक्स आ जीरो टू वन अच्छे ना आम कौन लिखा इंटीग्रेशन एक्स जगह के लिखिया वन माइनस एक्स वन वन माइनस एक्स जगह के लिखिया वन माइनस एक्स आउ डी एक्स आर होल टू द पावर 100 ना जीरो टू वन तो कितना इक्वल टू वन माइनस एक्स
एटा के वन माइनस वन प्लस एक्स होल टू द पावर हंड्रेड डीएक्स जीरो टू वन तो कहते हैं इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स वन वन कैंसल एक्स टू द पावर हंड्रेड और डीएक्स जीरो टू वन मल्टीप्लाई करिए कौन है बेसिकली एक्स टू द पावर हंड्रेड इंटू वन माइनस एक्स ना एटा डीएक्स जीरो टू वन तो कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर हंड्रेड माइनस एक्स टू द पावर हंड्रेड वन हो पाती हंड्रेड वन नहीं डीएक्स तो कहते हैं बेटा एक्स टू द पावर हंड्रेड एक्स टू द पावर हंड्रेड सॉरी एक्स टू द पावर हंड्रेड वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड वन माइनस एक्स टू द पावर हंड्रेड टू डिवाइडेड बाई हंड्रेड टू कौटू कौ इंटीग्रेट हो जीरो टू वन तो वन पक वन बाय वन टू द पावर हंड्रेड वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड वन माइनस वन टू द पावर हंड्रेड टू डिवाइडेड बाई हंड्रेड टू माइनस जीरो पड़ी हो जीरो पड़े तो जीरो हो जीरो माइनस जीरो तो कैसे रहा वन बाय हंड्रेड वन माइनस वन बाय हंड्रेड टू एमती आंसर इस चाहिए सिंप्लीफाई करदे जीत आसला सीटा हम तुम आंसर है ना आपको सल्व कले कि वन बाय के वन जीरो थ्री जीरो टू समथिंग कौन आसना।